आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सप्रेस एंट्री के बारे में कि कनाडा में पीआर कैसे लेते हैं। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना चुकी हूँ हाउ टू गेट पीआर इन कनाडा। ऑब्वियसली देर आर फ्यू डिफरेंट वेज टू गेट पीआर। इस वीडियो में सिर्फ मैं फेडरल के बारे में बताऊँगी कि आपको बेसिक प्रोसेस जो है वो क्या होता है पीआर लेने का, जो बाकी जो कुछ डिटेल्स हैं वो धीरे धीरे मैं अपडेट करती जाऊंगी। मे बी कुछ आई विल ट्राई टू मेक पुट एवरीथिंग इन दिस वीडियो, बट इफ देयर इज एनीथिंग लेफ्ट आई विल मेक अनदर वीडियो, एंड बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स आई माइट मिस सम थिंग्स, सो आई विल पोस्ट यू गाइस बैक। एंड आई जस्ट वांट टू पुट अ क्विक डिस्क्लेमर बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि अगर मैंने कुछ भी, मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ सिर्फ अपनी नॉलेज के बेस पे, जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन है, जो भी मेरे को नॉलेज है, जितना मेरे को पता है मैं उतना बता रही हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। मैं कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ, जो मुझे पता है मैं वही बताऊँगी। अगर आपको कुछ ज़्यादा पता है मेरे से तो आप कमेंट कर सकती हो, मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, जो मेरे को पता है मैं वही बता रही हूँ। मेरे को बहुत सारे लोगों ने पूछा तो मेरे को जो पता है मैं बता रही हूँ। अगर कुछ भी आप को ज़्यादा पता है तो आप वीडियो बना के लिंक शेयर कर देना या फिर आप कमेंट कर देना, आई विल नॉट माइंड इट। पर जो मेरे को पता है मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत 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 लोगों ने पूछ लिया है और आई थिंक अभी ये टाइम है कि मैं बता दूँ सबको जितना मेरे को पता है। एंड आप मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप कुछ भी मिस करेंगे तो आप कुछ को फिर सवाल होने लगेंगे कि क्या ये मैं जो मेरे को पता है, जहाँ जहाँ पे आप मेरे को प्रॉब्लम रही है, जहाँ जहाँ पे मेरे छोटी छोटी बातों को मेरे को नहीं पता चला, जो मेरे को पता है अभी, तो ऑब्वियसली आपको भी वो छोटी छोटी चीज़ों को बारे में जानने की ज़रूरत पड़ेगी मे बी। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कोई भी इतने क्वेश्चंस ना हो बाद में। ज़्यादातर मेरी वीडियोज़ बहुत डिटेल में होती हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ये नॉलेज इन्फॉर्मेशन जो मैं 10 मिनट में फिट करती हूँ तो वो काफ़ी इधर उधर से रिसर्च करी होती है फिर आती है। मैं ट्राई करती हूँ कि सारी वीडियो में मेरे को नहीं पता कि 10 मिनट की होने वाली है, 20 मिनट की होने वाली है, 30 मिनट की, आई डोंट नो, पर मैं इस वीडियो में जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन है मैं सारी डालने वाली हूँ। एंड मेक श्योर कि आप बने रहें, एंड चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ कि एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जब हम पीआर लगाते हैं कनाडा के लिए तो इसके 10 स्टेप होते हैं, 10 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा आईलेट्स लेने का, तो मैं नीचे ना पॉइंट्स लिखे हैं, स्टेप बाय स्टेप जाऊँगी, नीचे मैं देखूँगी तो कंफ्यूज मत होना। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है आईलेट्स का, आईलेट्स में मिनिमम जो है आपको एटलीस्ट 6 बैंड चाहिए। कई लोग बोलते हैं 7 चाहिए, कई बोलते हैं 8 चाहिए, वो क्यों चाहिए वो भी मैं बता देती हूँ जल्दी से। क्योंकि आपके जितने आईलेट्स में ज़्यादा बैंड होंगे उतने ही आपके पॉइंट्स ज़्यादा होंगे। जो एक्सप्रेस एंट्री है एक पॉइंट्स के बेस पे जो है सिस्टम है, जिसमें से जिसके जितने ज़्यादा पॉइंट हैं उसको जो है जल्दी पीआर मिलती है बेसिकली। सो सबसे पहले मैं आपको बता दिया कि आईलेट्स क्यों ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, थोड़ा सा और बताने वाली हूँ आईलेट्स के बारे में। सबसे पहले जब हम प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, सेकंड स्टेप जो है कि हमने प्रोफाइल क्रिएट करनी है आईलेट्स के, प्रोफाइल क्रिएट करनी है एक्सप्रेस एंट्री में। सो उसी तरह जिसी तरह हमने वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, उसी तरह स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, उसी तरह हम एक्सप्रेस एंट्री के लिए भी अप्लाई करते हैं। उसके लिए हमें एक प्रोफाइल बनानी पड़ती है, बहुत बहुत सिंपल प्रोफाइल होती है वो, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 10 से 15 मिनट में वो आपकी प्रोफाइल बन जाती है एक्सप्रेस एंट्री पे। आपको CIC पे जाना पड़ता है, वहाँ पे एक्सप्रेस एंट्री, वहाँ पे आपको अपना लाइक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसमें एक्सप्रेस एंट्री में, और उसमें थोड़े से क्वेश्चंस आंसर देने पड़ते हैं, और आपको जब वो क्वेश्चन आंसर आप फिल करके
पर्सनल डिटेल्स देनी होती है, थोड़ी बहुत अपनी एजुकेशन के बारे में बताना होता है, अपनी एज बतानी होती है, अपना मैरिटल स्टेटस बताना होता है, आपका वर्क एक्सपीरियंस बताना होता है, इंडियन फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस या कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस बताना होता है ना, आपका आपके पास जॉब ऑफर है या नहीं है, ऐसे कुछ सवाल होते हैं वो आपको आंसर करने होते हैं। उस बेस पे जो आपको जब हम सबमिट करते हैं तो आपको 10 से 15 मिनट में वो बता देंगे कि आप उनकी जो रिक्वायरमेंट को फिल कर रहे हो या नहीं। इसका मतलब ये नहीं है अगर आपको उन्होंने बोला कि नहीं आप रिक्वायरमेंट फिल नहीं करें तो अपसेट होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक एप्लीकेशन है, वेरी सिंपल एप्लीकेशन जिसको आप जितनी बार भर सकते हो, अगर आपको, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस है ना वो इतने कुछ उलझे हुए क्वेश्चन होते हैं कि आपने अगर येस और नो भी कर दिया तो उससे आपके पॉइंट कम हो जाते हैं। और अगर आपको पता है कि आप एलिजिबल हो देन मेक श्योर कि आप जो क्वेश्चंस है वो आंसर सही कर दो, क्योंकि थोड़ी थोड़ी गलतियों से आपके 30-40 पॉइंट ऐसे कट जाते हैं जब हम प्रोफाइल बनाने की एप्लीकेशन भरते हैं। अगर आपको पता है कि मेरे इतने पॉइंट होने चाहिए तो आप एप्लीकेशन भर रहे हैं तो उतने जब हम सबमिट करते हैं, सबमिट के बाद हमें जब हम अपना 10-15 मिनट बाद वो ईमेल कर देते हैं कि आपको आपके अकाउंट में कोई मैसेज आया, आप चेक कर लो। जब आप अकाउंट में दोबारा से लॉगिन करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे जो है वो बता देते हैं कि यू डिडंट मीट दी रिक्वायरमेंट फॉर एक्सप्रेस एंट्री। अगर आपने नहीं की तो इट मीन्स आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कमी है, आप उसको आंसर करके जितनी बार भी आपको गलत मतलब सही करने की ज़रूरत पड़े आप कर सकते हैं, वापस फिल कर सकते हैं। एंड फिर वो आपको बोलेंगे जब आपको पता, जब आपके सारा क्वेश्चन सही हो जाएंगे देन आपको वो बोलेंगे यू आर अ कैंडिडेट एंड यू आर अ कैंडिडेट इन अ पूल। सो पूल का मतलब क्या है? सो बेसिकली मान लीजिए, फॉर एग्जांपल आपको इमेजिन करना पड़ेगा, यहाँ पे मान लीजिए एक बॉक्स है बड़ा सा, उसमें बहुत सारी चिट्ठियाँ पड़ी हैं, ठीक है, और आप उस पूल में एक चिट्ठी की तरह हो जिसमें आपके मार्क्स हैं या पॉइंट्स हैं। जो टोटल पॉइंट्स होते हैं 1200 पॉइंट्स होता है, उसमें से हमारे जितने पॉइंट्स होते हैं, हमारे पॉइंट्स किस किस चीज़ से बनते हैं, हमारी एजुकेशन से बनते हैं, हमारे वर्क एक्सपीरियंस से बनते हैं, फॉरेन के अलग बनते हैं एंड कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस के अलग बनते हैं, हमारी एज के पॉइंट्स लगते हैं, हमारी लैंग्वेज एबिलिटीज़ के पॉइंट्स लगते हैं, इसी तरह से हमारे 3-4 चीज़ों से पॉइंट मिलते हैं। एंड अगर आपके पॉइंट जो है बेसिकली कुल मिला के आप लास्ट थिंग कि आपके पॉइंट कहाँ से मिलते हैं, आपके अगर आपको कोई नॉमिनेशन मिली है, जैसे कि यहाँ पे मैं नोवा स्कोशिया में रहती हूँ, अगर मैं यहाँ पे यहाँ से मेरे को नॉमिनेशन मिल जाए तो उससे मेरे को 600 तक के पॉइंट मिल जाते हैं, और जब उसको मैं अपने एज, वर्क एंड अपनी लैंग्वेज एबिलिटीज एंड इन सब चीज़ों से, स्टडी इन सब चीज़ों से मैं ऐड करती हूँ तो मेरे पॉइंट 1200 में से बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, तो मेरे जो HPR लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और दूसरी बात जो बॉक्स वाली बात थी, उसमें क्या है कि एवरी मंथ है ना, हर 2 वीक के बाद PR का ड्रॉ निकलता है, उस चिट्ठियों में से वो 3300 से लेके 3500 तक कैंडिडेट्स को चूज़ करते हैं। किसको चूज़ करते हैं? जिसके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट पॉइंट्स हैं, CRS पॉइंट्स, कंप्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम के बेस पे जिसके भी ज़्यादा पॉइंट्स हैं उनको वो इन्विटेशंस भेजते हैं। इन्विटेशंस को बोलते हैं ITA, जिसको बोलते हैं इन्विटेशंस टू अप्लाई, ठीक है। वो सबसे पहले हमने प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है, उसके बाद जब हम क्रिएट कर लेते हैं तो उसमें जब हम वो बोल देते हैं यू आर एलिजिबल एंड तब आप अपने अकाउंट में अपने पॉइंट भी देख सकते हो कि मेरे इतने पॉइंट हैं। एंड आप पहली बात और भी है कि जब आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो तो आपको आईलेट्स की ज़रूरत क्यों है, बाकी चीज़ों की क्यों नहीं है? क्योंकि आपको जो है आईलेट्स का जब हम टेस्ट देते हैं उसके बाद हमें टेस्ट का रिजल्ट आता है, उस पर हमारा ना आईलेट्स
सर्टिफिकेट नंबर होता है वो हमें फिल करना होता है. अगर आपके पास आईलेट्स का रिजल्ट नहीं है तो वो आप फिल नहीं कर पाओगे, एंड ऑब्वियसली आईलेट्स के बिना आप फिल ही नहीं कर पाओगे. एंड दूसरी बात हमें क्या चाहिए होती है, ईसीए चाहिए होती है. ईसीए क्यों चाहिए होती है, क्योंकि ईसीए इसलिए चाहिए होती है, लेट्स से कि आप इंडिया में 12th की है और इंडिया में आपने कोई बैचलर डिग्री की है और यहाँ पे आके कोई आपने डिप्लोमा कर लिया, तो आपकी हायर स्टडी के मार्क्स लगते हैं. अगर आपकी इंडियन की जो स्टडी की है आपने वो यहाँ पे आके उसकी वैल्यू ज़्यादा है और आपकी डिप्लोमे की वैल्यू कम है, तो आप अपनी एजुकेशन के पॉइंट बनाने के लिए अपनी इंडियन स्टडी के असेसमेंट कराएंगे. WS जो बेसिकली है वो असेसमेंट करते हैं अपनी आपकी एजुकेशन की. अगर आपकी जो इंडियन स्टडी है वो हाईएस्ट उसके वो ज़्यादा हायर लेवल की है, या फिर आपने इंडिया में ही हो और अपनी स्टडी की है वहाँ पे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको वो देखनी पड़ेगी, असेसमेंट करवानी पड़ेगी कि एक्चुअली कैनेडा में उसकी वैल्यू है या नहीं और उसकी कितनी वैल्यू है, वो आपको चाहिए होगा. और उसके लिए रूल भी चेंज हो गया है कि आप पहले तो था कि आप खुद ही करवा लेते थे उन WS को बात करके डायरेक्टली, पर अभी क्या हो गया है आपको अपने यूनिवर्सिटी को बोलना पड़ेगा, उनको आपके जो है सारे जो सर्टिफिकेट वगैरह हैं उनको खुद यूनिवर्सिटी के थ्रू भेजना पड़ेगा, आप खुद नहीं भेज सकते. सील्ड एनवेलप में आपको यूनिवर्सिटी को बोलना पड़ेगा, फिर वो उनसे जाएंगे, फिर आपको उनके कुछ $200 पे भी करना पड़ेगा फीस, एंड फिर आपको असेसमेंट करवानी पड़ेगी एजुकेशन की, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. एंड बेसिकली आपने प्रोफाइल क्रिएट कर ली एंड आपके पॉइंट्स हो गए और आपके ड्रॉ जो निकलते हैं 3300 से 3500 तक एवरी 2 वीक निकलते हैं. तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितने पॉइंट चाहिए आपको, तो बेसिकली आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पूल में कितने लोग हैं, वो भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कितने लोग, नंबर ऑफ पीपल इन द पूल. सो यू विल हैव एन आइडिया कि कितने ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट्स हैं, हाईएस्ट पॉइंट्स वाले लोग पूल में बैठे हैं. अगर पूल में 1,00,000 लोग बैठे हैं एंड सबसे ज़्यादा 3300 जो सबसे ऊपर से जिसके पॉइंट्स होंगे 3300 लोग जो हैं या 3500 जितने भी, उनकी एक लिमिट है कि इतने लोगों को ही हमने ड्रॉ में इनविटेशन देना है, ठीक है. उनकी लिमिट है 3300 से लेके 3500 तक आई गेस. तो वो एवरी 2 वीक्स एवरी वेंसडे वो लेट्स से लास्ट जो था ड्रॉ वो May 1st को था एंड अभी जो होगा May 17th को होगा यस. एंड एवरी जो वेंसडे एवरी सेकेंड वेंसडे होता है एंड मोस्टली कभी कभी वो कुछ ना कुछ चेंजेस कर देते हैं, मोस्टली एवरी सेकेंड वेंसडे वो ड्रॉ निकलते हैं. अभी जो लास्ट ड्रॉ निकला है उसकी थी 450 पॉइंट्स. अगर आपके 450 पॉइंट्स हैं या उससे ऊपर हैं तो आपको वो इनविटेशन आएगा. अगर मान लो 450 में बहुत सारे लोग हैं और ऊपर से जब वो देखते हैं तो सबसे पहले इवन के 450 वाले बहुत ज़्यादा हैं और उनकी लिमिट ख़त्म हो गई है और फिर भी 450 वाले लोग बैठे हैं पूल में, तो सबसे पहले उनको प्रायोरिटी दी जाएगी जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन पहले क्रिएट की थी. तो इवन कि उन्होंने 450 वाले लोगों को इनविटेशन भेजा भी है, फिर भी जो लोगों ने लेट अपनी एप्लीकेशन डाली थी उनको नहीं मिला, क्योंकि उनकी जो लिमिट है वो 3300 और समथिंग है, तो उनकी लिमिट वो पूरी होगी तो वो सारे 450 पॉइंट्स वाले लोगों को इन्विटेशन नहीं भेजते ऐसे. तो अभी नेक्स्ट टाइम जो होगी May 17th को, तो उसमें जो है पॉइंट कम भी हो सकते हैं, 449 भी हो सकते हैं. इट मीन्स के वो सब लोगों को जो 449 वाले हैं और उनसे ऊपर वाले जो सारे लोगों को है अपने जो ड्रॉ इनविटेशन भेजेंगे, ठीक है. तो ये तो हो गया ऐसा. सबसे पहले हमने प्रोफाइल क्रिएट की, उसके लिए हमें आईलेट्स चाहिए एंड उसके साथ साथ अगर आपकी स्टडी जो हायर लेवल की स्टडी इंडिया में की हुई है या पाकिस्तान में की हुई है तो प्लीज़ अपना ECA करवाने की जल्दी से जल्दी अपना ECA करवा लें ताकि आपको पता हो कि आप कौन सी
स्टडी के बेस पे अपना जो है पीआर लगवाना चाहते हो, या अगर आपने कनाडा में आके मास्टर्स की है तो आपको इंडिया की कोई भी स्टडी की से करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो कनाडा की स्टडी है वो हायर वैल्यू रखती है और उसी के बेस पे आपको पॉइंट मिल जाएंगे। तो आपको इंडिया की स्टडी के पॉइंट की ईसीए करवाने की ज़रूरत नहीं है उस झंझट में। उसकी एक्चुअली इंफॉर्मेशन भरने की भी ज़रूरत नहीं है जब हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि उसके पॉइंट ही नहीं लगने हैं, तो फालतू करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ को बेस पे आपको पीआर लगवानी है आपने उसकी ही इंफॉर्मेशन देनी है। बट पहली बात हो गई हमारी प्रोफाइल क्रिएट करने की, उसके ईसीए भी साथ साथ ज़रूरी है, एंड उसके बाद हम पूल में बैठे हैं। अगर हमारे कट ऑफ है उसके ऊपर पॉइंट है, उसके अंदर पॉइंट है, तो हमें ITA आएगा, ITA इन्विटेशन टू अप्लाई, ठीक है। जब वो आ जाता है तो आपके पास 60 डेज होते हैं, 60 डेज के अंदर आपको वो चेकलिस्ट भेजे, जब आपको इन्विटेशन ITA आएगा, ITA मीन्स वो आपको ईमेल करेंगे और बोलेंगे कि आपके अकाउंट में कोई मैसेज आया, आप चेक कर लो। जब आप चेक करोगे अकाउंट में, जो आपकी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल के अकाउंट में चेक करोगे CIC में, वो आपको पता चल जाएगा। वहाँ पे आपको मैसेज आया होगा कि हाँ आप ये आपकी चेकलिस्ट है, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, ये वाले आपको लिस्ट दी जाएगी। हर बंदे को अलग अलग लिस्ट होती है, पर ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट्स हैं सेम होते हैं, कुछ ना कुछ अलग अलग एक दो डॉक्यूमेंट्स अलग हो सकते हैं, किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत होती है। पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। उसके बाद जो हैं वो कुछ ऑप्शनल्स होते हैं, वो अलग अलग लोगों को भेजते हैं। एनीवे, सो ITA जब आता है, ITA मींस आपके पास 60 डेज हैं, 60 डेज में जिस बेस पे आपने अपनी एप्लीकेशन क्रिएट की थी उस बेस पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट, ये वाले डॉक्यूमेंट सारे फिल कर दे, और थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन भी भरनी पड़ेगी वहाँ पे, वो सारे भर दो, ठीक है। और उसमें से ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके पास मस्ट होना चाहिए वो है आपकी PCC, है ना, जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अगर आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं तो अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बना लें, क्योंकि अभी वोट्स का टाइम है एंड टाइम बहुत बिजी है, तो जो PCC बनवाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो आपका PCC आप पहले से बनवा के रख लें। अगर आपने PCC पिछले 6 महीने में बनवा के रखा है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं जब आपको ITA आएगा। अगर वो एक्सपायर हो गया तो आपको दोबारा से बनाना पड़ेगा। एंड दूसरी बात, उसके 200 रुपये चार्ज आएंगे हमें, तो पहले बता देती हूँ। एंड कैनेडा में जिस कंट्री में आपने 6 मंथ से ज़्यादा रहे हो, अगर आप घूमने के लिए गए थे कैनेडा में और या किसी और कंट्री में, आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ पाकिस्तान, वेयर एवर यू आर, अगर आप उस कंट्री को छोड़ के कहीं और 6 महीने से ज़्यादा रहे हो तो आपको उस कंट्री से भी PCC करवाना पड़ेगा। PCC का मतलब होता है कि आपने वहाँ पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है दूसरे कंट्री में और या आपकी खुद की कंट्री में। इवन कि आपको कनाडा में, अभी मैं कनाडा में हूँ तो अगर मेरे को कराना होगा तो मेरे को भी कनाडा की PCC करवानी पड़ेगी, एंड आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा कनाडा से या जहाँ से भी आप हो इंडिया से, तो वो भी 6-6 महीने का चल जाता है। एंड फिर और आपको अपने स्टडी के डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, सर्टिफिकेट्स वगैरह, है ना, जो भी है। आपको 10 साल की अपनी हिस्ट्री बतानी होगी कि आप कहाँ गए थे, अगर 6 महीने से ज़्यादा कहीं पे रहे हो, ऐसा कुछ करके, वो सारी आपको छोटी छोटी डिटेल्स है वो तो पता चल जाएगी। पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है PCC होता है, जहाँ पे भी हो आपको वो पहले से ही बनवा के, मतलब जब आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि जब आप पूल में हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पॉइंट्स बन रहे हैं उतने या आपके कम हैं, आपको पता चल जाएगा। तो मेक श्योर कि आपकी PCC रेडी है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट स्टेप जो है, आपने ITA जब आता है तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स फिल कर दिए, सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी, आपके पास 60 डेज हैं, 2 मंथ के बीच बीच में आपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं, मेडिकल का भी सबमिट करना है, सारे PCC अगर एक है या दो है या कितने भी हैं, आपने वो सारे सबमिट करने हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं, पासपोर्ट की अपने स्कैन करवा के कॉपी सबमिट करनी है। अगर आप इंडिया से PR लगवा रहे हो तो आपको आपकी जो है, अगर आप अकेले हो
आप अकेले पी आर लगवा रहे हो तो आपको फंड्स शो करने पड़ेंगे, आई थिंक वो $13,000 है एक पर्सन के लिए। दूसरे के अगर दो लोग अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जैसे फैमिली अप्लाई करती है उसके थोड़े ज़्यादा होते हैं, वो आपको मैं लिंक दे दूंगी, आपको पता चल जाएगा कितने कितने एक बंदा लगा रहा है तो कितने, चार एक बंदा है तो 13,000 आपको फंड शो करने पड़ेंगे कि आप वो अपने साथ लेके आओगे। अगर आप कनाडा में हो और वर्क कर रहे हो तो आपको आपके अकाउंट में फंड शो करने की जरूरत नहीं है, आप अपने पे स्टब्स यूज कर सकते हो, अपना पहला पे स्टब एंड अपना लास्ट पे स्टब जो आपके जिस वर्क के हिसाब से आप अपनी पीआर लगा रहे हो उसके पे स्टब्स लगाने पड़ेंगे। एंड आपको अगर आप कनाडा में काम कर रहे हो तो आपको फंड शो करने की जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कर दिए, उसके बाद जब आपने आईटी के बाद सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए तो उसके बाद जो है वो टाइम, प्रोसेसिंग टाइम जो है रिव्यू करने का एप्लीकेशन का टाइम है 180 डेज विच इज 6 मंथ विच इज रिसेंटली चेंज। इट वॉज इनिशली 180 डेज, नो इनिशली इट वॉज 3 मंथ्स एंड नाउ इट्स 180 डेज विच इज 6 मंथ्स। अभी पहले 3 मंथ था, अभी 6 मंथ हो गया है थोड़े 2-3 महीने पहले ही, तो वो 6 मंथ के बीच बीच में आपको रिप्लाई कर देंगे कि आपको जो है पीआर मिलेगी या नहीं। बेसिकली आपको वो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी पीआर के स्टेटस की कि आपको आपका एक्सेप्ट हो गया या रिजेक्ट हो गया, तो उसके बाद आप अपना पीआर कार्ड के लिए अप्लाई करोगे बेसिकली। तो पीआर कार्ड के लिए आप जो लास्ट स्टेप है वो आप अप्लाई फॉर योर पीआर कार्ड एंड देन दे विल सेंड यू योर पीआर कार्ड एंड अप्रॉक्सीमेटली इट टेक्स अबाउट 8 to 1 year बिकॉज द प्रोसेसिंग टाइम इज 6 मंथ। अब प्रोसेसिंग टाइम 6 महीने हो गया है तो उसकी वजह से 2 महीने आपके पास डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए होंगे, उसमें से एवरेजली लोग 1 महीना लगा देते हैं सबमिट करने में, 6 महीने वो हो गए 7 महीने, और आपको ITIN में भी 1-2 महीने लग सकते हैं, है ना। उससे पहले आपको IELTS करने के लिए भी आपको टाइम लग सकता है। मान लो कि आप ये सारे जोड़ के 1 साल लग जाता है PR कार्ड आते आते, एंड उसके बाद अगर आपको पता है कि आपके पॉइंट्स बन नहीं रहे हैं तो एक तरीका है, आप अपने पीयर्स पॉइंट्स बढ़ा सकते हो। आप अपना वर्क एक्सपीरियंस नहीं बढ़ा सकते, आप अपना एज नहीं बढ़ा सकते, आप अपनी आप अपना फॉरेन एक्सपीरियंस नहीं बढ़ा सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप अपने पॉइंट्स बढ़ाने के लिए कर सकते हो वो अपने IELTS के रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप किसी भी चीज़ में ज़्यादा स्ट्रांग हो, आपके पॉइंट उस हर अलग अलग मॉड्यूल के बेस पे अपने आपके पॉइंट्स लगेंगे। अगर आप किसी चीज़ में ज़्यादा अच्छे हो तो उसके बेस में आपके ज़्यादा पॉइंट भी लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एवरेजली अगर आपके 7 बैंड आए हैं तो ऐसा नहीं है कि एवरेज के बेस पे आपके पॉइंट लगते हैं, ये इंडिविजुअल मॉड्यूल के बेस पे आपके पॉइंट लगते हैं। तो एटलीस्ट आपके 6 बैंड होने चाहिए ईच में, एंड लास्ट जो ड्रॉ निकला है वो 450 कट ऑफ निकली है, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी अगर मेरे को नेक्स्ट टाइम पता चला। पर अगर आपके उतने पॉइंट है तो आप अप्लाई कर सकते हो, और आप अपनी एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हो फ्री में कि आप एलिजिबल हो या नहीं। वो आप CRS कैलकुलेटर करके लिंक मैं आपको दे दूंगी नीचे गूगल से सर्च करके, वहाँ पे आप क्वेश्चन के आंसर करके पता चल जाएगी आपके कितने पॉइंट हैं। अगर आपके 450 पॉइंट बन रहे हैं अभी तो आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, एंड अगर नहीं भी बन रहे तो एप्लीकेशन फिर भी आप क्रिएट कर सकते हो। वो एप्लीकेशन आपकी 1 साल तक वैलिड रहती है, 1 साल के बाद एक्सपायर हो जाती है, फिर ऑफिस से आपको दोबारा एप्लीकेशन बनानी पड़ती है। एंड आज के लिए इतना ही, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट करके बता देना, एंड मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड शेयर भी कर देना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि PNP कैसे लेते हैं, एंड PNP कैसे लेते हैं नोवा स्कोशिया में या अटलांटिक कैनेडा में, एंड मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बेस्ट प्रोविंस कौन से हैं कनाडा में पीआर लेने के लिए, और मैं ऐसे भी बताऊंगी जो लोग यहाँ पे मूव होना चाहते हैं उनको मूव होना चाहिए या नहीं, ये सब मैं बताने वाली हूँ। तो आप स्टे ट्यून रहिए एंड